Hello friends, I am back with my new video. My name is Amir and I am from Evan Coaching. Last class में मैंने आप लोगों को present indefinite के affirmative sentence के बारे में बताया था कि present indefinite के affirmative sentence कैसे बनाए जाते हैं. Now आज मैं आप लोगों को present indefinite के negative sentence के बारे में बताऊंगा कि हम लोग present indefinite के negative sentence को किस तरह से बना सकते हैं. चलिए start करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव के बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक रूल की होती है, जो उसका रूल होता है. देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर डस नॉट या डू नॉट में से कोई एक का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का भी यूज होता था. बट अब नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एस या ई एस का यूज कहीं भी नहीं करेंगे, चाहे डज नॉट आए चाहे डू नॉट आए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे. ठीक, अब देख लेते हैं कि किसके साथ हमारा डज नॉट का यूज होगा और किनके साथ डू नॉट का यूज होगा. तो ही शी इट एंड सिंगुलर, ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे. वी यू दे एंड प्लूरल, वी यू दे एंड प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज होगा. और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल लोगों को पता ही क्या होता है, सिंगुलर हमारा वो होता है जहाँ पर एक लोगों के बारे में बात की जाए, प्लूरल वो होता है जहाँ पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाए. जैसे हमने कहा आमिर, आमिर इज गोइंग टू आगरा, आमिर आगरा जा रहा है, तो आमिर क्या है, सिंगुलर है. और वहाँ पर हम प्लूरल में बात करें, जब हमने कहा बॉयज आर गोइंग टू आगरा, लड़के आगरा जा रहे हैं, वहां पर क्या एक से ज्यादा बॉयज है, एस लगा हुआ है, या फिर एक लड़का आगरा जाए तो सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं वहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. ओके चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि किस तरह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसको हम लोग किस पे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे. चलिए देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, मैं की मीनिंग क्या होती है, आई, तो मैं की मुझे क्या हो जाएगा, आई. उसके बाद हमें क्या देखना, डज नॉट या डू नॉट में से कुछ एक लगेगा, तो आई के साथ मैंने पीछे लिखाया था जो कि मैंने रफ कर दिया, उसमें क्या था, आई के साथ डू नॉट यूज होगा, तो आई डू नॉट. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, खेलता, तो खेलते की मीनिंग क्या होती है, प्ले, आई डू नॉट प्ले. एंड लास्ट इज क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मैंने लिखा राम खाना नहीं खाता है. अब राम खाना नहीं खाता है, सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, राम, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, राम. अब राम सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, और जब सिंगुलर होता है तो वहां पर हम लोग राम के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट. ओके तो राम डज नॉट, अब क्या नहीं खाता है, खाता नहीं, खाता की मीनिंग क्या होती है, ईट, राम डज नॉट ईट. और क्या नहीं खाता है, खाना, खाने क्या बोलते हैं, फूड, राम डज नॉट ईट फूड. सो चलिए हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के. जैसे मैंने लिखा वह घर नहीं जाता है, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, वह घर नहीं जाता है. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग क्या होती है, ही. अब ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट की डू नॉट, तो वहां पर क्या लगेगा, ही डज नॉट. अब काम क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, जाता, जाता की मीनिंग क्या होती है, गो, तो ही डज नॉट गो. अब कहाँ नहीं, कहाँ जा रहे हैं, ही डज नॉट गो टू होम, वगैरह नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू होम. एट लास्ट एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं करके, देख कैसे बनता है, वे आगरा नहीं जाते हैं. वे, अब यहाँ पर वा था, यहाँ पर क्या है, वे,
वे मतलब ढेर सारे लोग हैं, तो वे की मीनिंग क्या होती है? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, डू नॉट। अभी रूल के में देखिएगा तो वहां पर क्या लिखा होगा? डू नॉट, ठीक। तो दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, दे डू नॉट। अब मीनिंग क्या है आगे? वर्ब क्या है? जाते, जाते की मीनिंग क्या होती है? गो, तो दे डू नॉट गो। और कहां जाना है? आगरा, तो दे डू नॉट गो टू आगरा, वे आगरा नहीं जाते हैं। दैट्स इट। नाउ अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है इनडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो नहीं है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें।